बी सेमिस्टर टू के अभी जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, आप वो दिन याद करो जब आपका सेमिस्टर वन का रिजल्ट आया था। उस दिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का अच्छा रिजल्ट आया था, जिन्होंने बहुत सारा एंजॉय किया था, आपका रिजल्ट हमें सबमिट भी करवाया था। अब एक वीक के अंदर ही हम उसका सेलिब्रेशन भी रखने वाले हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट बहुत खराब आए थे। उन लोगों ने हमने मैसेज किया था कि सर मैं कैसे इंप्रूव करूँ, मेरा बहुत रिजल्ट खराब आया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इम्प्रूव अपना क्या बोलते हैं रीचेकिंग के अंदर और रीअसेसमेंट में भी डाला होगा, उसका भी रिजल्ट पेंडिंग है। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बोलने वाला हूँ कि भाई अब आप जाग जाओ, है ना। अब कितना देर तक आप अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, जिस दिन रिजल्ट आया था 2-3 दिन आप बहुत सीरियस हो चुके थे, आपने हमें मैसेज किया था सर आप गाइड करो, हम उस तरीके से पढ़ाई करेंगे, लेकिन अब क्या। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रियल हकीकत बताने वाला हूं, तो वीडियो पूरा देखना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। 99.8K हो चुके हैं, आई थिंक ये 8K 9K नजदीक है, है ना, 4-5 सब्सक्राइबर बाकी है। मतलब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक शायद 100K हो भी गए होंगे, या फिर आप थोड़ा सपोर्ट करोगे तो हम आज 100K तक पहुंच जाएंगे। सो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखो मैं आपको थोड़ा एक क्लियर आइडिया दे देता हूं कि भाई आपका आज हुआ है 29 अप्रैल, मतलब अप्रैल पूरा मान लो, ये पूरा कल लास्ट दिन है, अप्रैल जाने देते, मई और जून आपके पास 2 महीने है, करीबन हम 30 दिन मान के चलते, 31 एक में हो गए, लेकिन हम करीबन 30 दिन मान के चलते, आपके पास 60 डेज भी नहीं है, क्योंकि 24 जून से आपकी एग्जाम टेंटेटिवली शुरू होगी, ऐसा एकेडमिक कैलेंडर के अंदर लिखा था, लेकिन आपकी फॉर्म भरने की डेट आई थिंक 26 तक दी है उन लोगों ने, तो 26 के बाद कभी भी इसके आसपास, मतलब जून के एंडिंग में आपकी एग्जाम शुरू हो, इसलिए मैंने यहाँ पे 60 रखे, 4-5 दिन का गैप रखा है। तो अब यहां से आपके पास 60 डेज बाकी बचे हैं। अगर आपके 6 सब्जेक्ट है तो 1 सब्जेक्ट के 10 दिन आपके पास है, अगर आपके और ज्यादा सब्जेक्ट है, मतलब सेमिस्टर वन में कहीं पे आप एटी लेके आए हो, तो इतने भी डेज आपके पास एक साथ नहीं है। और इस बार होगा क्या, फर्स्ट सेमिस्टर में आपकी एटी आई है तो आपके कंटिन्यूस सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, किसी को तो ऐसा भी होगा एक साथ 3 सब्जेक्ट की एग्जाम आज कल और परसों, तो अपने को टाइम टेबल नहीं पता है, है ना, तो अपने को हर एक तैयारी के लिए रेडी रहना है, है ना, रेडी रहना ही पड़ेगा, नहीं रहोगे तो उस टाइम पे भी वापस वही प्रॉब्लम आएगा। देखो फर्स्ट में जितनी भी सब्जेक्ट में एटी आई है उसको भूल जाओ, सेकंड में क्लियर नहीं करते हो तो थर्ड सेम में भी वो पाप लेके आगे चलना पड़ेगा, और वो कंटिन्यू ही रहेगा, वो कंटिन्यू ही रहेगा, फिर वो आता ही रहेगा, फिर कभी जाके आप डिटेन हो जाओगे जो 4+1 का रूल है उसके मुताबिक। तो अगर आपके फर्स्ट सेम में एटी आ गई है तो उसको भूल जाओ, लेकिन उसको सॉल्व करना है तो 60 डेज ही आपके पास है, इतने डे में ही आप अच्छे से प्रिपरेशन करके उसको सॉल्व आउट कर सकते हो, वरना सॉल्व नहीं होगा। लास्ट टाइम भी हमने लाप्लास का लेक्चर लिया था ऑनलाइन, कितने लोग थे 81 से 100 के करीबन कोई लाइव थे, अभी दूसरा सेशन इस नेक्स्ट वीक में होने वाला है ना, लेकिन जब ये ही सेशन में एग्जाम के टाइम पे अगले दिन पे या फिर उसके 2 दिन पहले लेता हूं तो 1000 लोग लाइव होते हैं, तो डिवाइड बाई 10 स्टूडेंट्स होते हैं लाइव में, मतलब सीरियसनेस बहुत कम है। वो अलग बात है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट अपने कोर्स से पढ़ रहे हैं, इसलिए उनको रिवीजन की जरूरत नहीं है, सर मैं बाद में पीडीएफ देख लूंगा इसलिए मैं नहीं आता हूं, वो सही बात है, लेकिन आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अपने यूट्यूब पे भी सेशन शुरू हो गए, अपने एप्लीकेशन में भी अच्छे से सब कुछ सब लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट सेम में नहीं थे, सेकंड में नए जुड़े हुए हैं, आपको भी जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में सारे कोर्स की लिंक है, आप जुड़ सकते हो, है ना। 450 रुपीज कोर्स की प्राइस रखी है, और आपको बंडल लेना है 3-4 तो हम 400 में कर देते हैं, उसको कैसे बाय करना उसके लिए नंबर है डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैसेज करना, हम आपको गाइड कर देंगे कि कैसे आपको 400 में मिल जाएगा। तो इतना अफोर्डेबल जब हम रखते हैं, और मैं ऐसा नहीं बोलता अपने प्लेटफॉर्म से पढ़ो, यूट्यूब से भी पढ़ लो, कहीं भी ऑफलाइन पढ़ लो, कॉलेज में पढ़ लो, लेकिन अब 60 डेज है ना। फिर ऐसा मत बोलना कि सर अब मैं कैसे करूँ, अभी ये 1 महीना भी गया तो ये 60 के 30 हो जाएंगे, मतलब पर सब्जेक्ट 5 दिन बचेंगे। फिर आपके बड़े बड़े सपने होंगे, सर मैं 8+ SPL आऊँ, अभी भी मैं फर्स्ट सेम वाले जो स्टूडेंट अभी आने वाले हैं नेक्स्ट नया, जब आप थर्ड में आओगे तब फर्स्ट में, उनसे मिल रहा हूँ एडमिशन के टाइम, वो लोग वही बोलते हैं कि सर कहाँ पे एडमिशन लूँ तो मेरी जॉब लग जाएगी, मेरा अच्छा प्लेसमेंट होगा। मैं सोचता हूँ तब आप सबके बारे में कि भाई 1 साल पहले भी ऐसी एक बैच थी जो मुझे ऐसा ही पूछती थी, लेकिन वो लोग कितना पढ़े फर्स्ट सेम में, कितना रिजल्ट लाया वो मेरे को ही पता है, मतलब जो आग होती है ना एडमिशन के टाइम वो पूरे 4 साल नहीं रहती है, फिर जॉब नहीं मिलता है। तो अगर आप एडमिशन के टाइम जो आग लेके कॉलेज सर्च कर रहे थे, प्लेसमेंट सर्च कर रहे थे, वही 4 साल रखोगे तो आपको अच्छा प्लेसमेंट, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मिलेगी और मिलेगी ही, लेकिन अभी आपको जागना पड़ेगा, अंदर से जागना पड़ेगा। देखो किसी के लिए पढ़ाई मत करो, अपने आप के लिए पढ़ाई करो, ये मैंने वार्निंग आपको 2 महीने पहले दी है, 1 महीना कहां चला जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा, ये मैं आपको बोल रहा हूं, है ना। तो अब आपका डिसीजन है, पढ़ाई करनी नहीं करनी, कैसे करनी, कब करनी, कुछ भी डाउट है कमेंट करते रहो, हमारी टीम आपको श्योर सॉल्व आउट कर देगी, लेकिन अब पढ़ाई करनी है, करनी है तो करनी है। बस वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, चैनल पे नए तो खास सब्सक्राइब करता, मिलते हैं बहुत जल्दी आपके सेमिस्टर वन के रिजल्ट के सेलिब्रेशन के साथ और 100K के सेलिब्रेशन के साथ भी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।